नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज विधानसभा पहुंचे हैं। आज विधानसभा का पाँचवा दिन है और पाँचवा दिन तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे। इससे पहले कई सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म था कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के समकक्ष अपने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि आज पाँचवें दिन बाद तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे हैं। क्या कुछ विधानसभा में वो बोलेंगे, चमकी बुखार को लेकर वो क्या कुछ बयानबाजी देते हैं, आखिर वो क्यों पाँच दिन तक विधानसभा नहीं आ पाए, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आज तेजस्वी यादव हो सकता है कि विधानसभा में अपना बयान जारी करें। लेकिन जो चर्चाएं थी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार गायब थे और आज विधानसभा में तेजस्वी यादव नज़र आए हैं। तकरीबन 12 बजे के करीब वो विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा के अभी फ़िलहाल वो अंदर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि विधानसभा के बाहर है, यहीं पर तेजस्वी यादव आए थे और लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग थे तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर लगातार निशाना साध रहे थे। इतना ही नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव लापता हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लगातार आरजेडी की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि चूँकि तेजस्वी यादव की तबीयत ठीक नहीं है, उनके घुटनों में दर्द है, इस वजह से तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं। और आज विधानसभा के पाँचवें दिन तेजस्वी यादव विधानसभा पहुँचे हैं। इस मानसून सत्र में पहली बार तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा पहुंचते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव किस तरीके से अटैकिंग मोड में नीतीश सरकार पर रहते हैं, चाहे वो चमकी बुखार का मामला हो, चाहे वो बिहार एंड लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे बिहार के कई अन्य जिलों में सूखाग्रस्त है उसको लेकर किस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर किस प्रकार की प्रहार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।